मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ सेकेंड ईयर पार्क स्टडी की पेयरिंग स्कीम। तो आप कॉपी पेंसिल उठा के बैठे हैं और ये वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, क्योंकि मैं आपको साथ साथ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूंगा, जिसको देखने के बाद समझने के बाद आपके लिए पेपर सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। हमारे पास ये 6 चैप्टर होते हैं, ओके, ये तो आपको पता ही होगा भाई। अब 6 चैप्टर में से जो पहला चैप्टर है उसमें से आपके पास आने वाले हैं जी 3 एमसीक्यू डियर स्टूडेंट, दूसरे में से आपके पास आने वाले 1, तीसरे में से 2 एमसीक्यू, चौथे में से 1 एमसीक्यू, पांचवें में से 1 एमसीक्यू और छठे में से 2 एमसीक्यू आने वाले हैं। तो बेटा अब सर हम एमसीक्यू कैसे सॉल्व करें? तो बेटा सबसे पहले तो आप तीसरा चैप्टर बहुत अच्छे से रीड करना, क्योंकि यहां से 3 एमसीक्यू आ रहे हैं भाई, बाकी किसी में से 3 नहीं आ रहे, ठीक है ना। तो आपने तीसरे की अच्छे से रीडिंग करनी है ताकि कोई एमसीक्यू आपका छूट ना जाए, और बाकी के आपने भी अच्छे से तैयार करने। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो उन सबको टॉपिक्स अच्छे से तैयार करें, और जो नहीं पढ़ पाए या जिन्होंने टाइम वेस्ट किया अपना, तो भाई वो चैप्टर के लास्ट से लाजमी कर लें, ठीक है ना। एमसीक्यू आपने नहीं छोड़ने। उसके बाद आपके पास आए क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास होगा जी चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 में से, और हर चैप्टर में से आपके पास 1 चैप्टर में से 2 आएंगे, सेकंड चैप्टर में आपके 4 आएंगे, जबकि थर्ड चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्या मतलब बना? तो भाई इसका मतलब है सर अगर मैं दूसरा और तीसरा चैप्टर अच्छे से तैयार कर दूं तो हो जाएंगे? जी बेटा हो जाएंगे, क्योंकि आपको 9 गिवन होंगे, उसमें से 6 अटेम्प्ट करने हैं, 9 में से 6 करने हैं। आप ये 2 चैप्टर अच्छे से कर लेते हो तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा, और जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो इसको भी करें। क्यों? क्योंकि आगे लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं, बताता हूँ। अब आता है जी क्वेश्चन नंबर 3 आए, और यहां से भी बेटा आपके पास 3 आ रहे हैं, जबकि चैप्टर नंबर 6 में से 2 आ रहे हैं, ठीक है ना भाई। तो हमारे पास सॉरी 3 आ रहे हैं भाई, तो क्योंकि 9 आ रहे हैं, 9 में से आपको कितने करने हैं? 6 करने हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इस तरह से आपका यह कोई से भी आप 2 कर लें फिर भी हो जाएगा, बाकी वैसे आप। तो डियर स्टूडेंट आपके पास 75% पेपर नॉलेज बेस होगा, जबकि 25% आपके पास कंसेप्चुअल बेस होगा। तो आपने हर एक चीज को अच्छे से करना है ताकि आप 100% मार्क्स हासिल कर सकें डियर स्टूडेंट। तो इस तरह आपके पास शॉर्ट कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आपके पास आएगा जी लॉन्ग क्वेश्चन बेटा आपके पास चैप्टर नंबर 1 से भी आ सकता है या चैप्टर नंबर 2 से भी आ सकता है। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, सॉरी 4 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपके पास, ये चैप्टर नंबर 3 से भी आ सकता है या चैप्टर नंबर 4 से भी आ सकता है। क्या हो गया? अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आपके पास चैप्टर नंबर 5 से भी आ सकता है या चैप्टर नंबर 6 से भी आ सकता है। तो ये सिंपल है। तो बच्चे ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास, एक में से भी दे सकता है, दूसरे में से भी दे सकता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 5 है तीसरे में से भी दे सकता है, उसका दिल कर गया तो चौथे में दे देगा भाई, वो उसके ऊपर है आपको। इसका मतलब है अगर आपने, क्योंकि 3 में से 2 करने हैं, तो आप कम से कम 4 चैप्टर अच्छे से करें, और कोई आए बाएं शाये किसी की बातों पर ना ट्रस्ट करें कि किसी ने आपको गैस दे दिया या कुछ कर दिया। तो क्योंकि हम आपको बताएंगे ऑथेंटिक चीज, अगर आप चाहते हो कि सर गैस दे दे तो वो भी आपको दे सकते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में, इस सीरीज में, पेयरिंग स्कीम में आपको वही चीजें बताएंगे जो बोर्ड वालों ने बताई है, उसके अलावा और कुछ नहीं बताएंगे बेटा। अगर आपने कोई तैयारी नहीं की है तो आप हमें पूछ सकते हैं, सर मुझे इस टॉपिक की नहीं समझ आती, आप हमें काइंडली समझा दें। तो इंशाल्लाह हम आपको जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे बेटा, हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई उसको भी कर लो, क्योंकि हम इस चैनल पर जितनी भी पेयरिंग स्कीम है, जितनी भी एजुकेशनल कंटेंट है, इसके अलावा जॉब से रिलेटेड, क्योंकि सेकेंड ईयर के बाद फिर आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे, तो उससे पहले अभी से भाई देख लो कि कहाँ जाना है, तो उसके भी बारे में हम बता रहे हैं। उसके बाद फिर हम शेयर नहीं किए ना, तो भाई वो भी कर लो, किसी दोस्त का फायदा कर दो। शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग।